नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ले आया हूँ इस्कॉन टेम्पल। दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल जो है ग्रेटर कैलाश में, ईस्ट ऑफ कैलाश में जो स्थित है। मैंने आपको पिछली वीडियो जो लोटस टेम्पल की बनाई थी उसमें आपको बताया था कि लोटस टेम्पल के बिल्कुल पीछे वहां से जो है लोटस टेम्पल से भी दिखाई देता है इस्कॉन टेम्पल, और लोटस टेम्पल के बिल्कुल बगल में ये एक पार्क है, आस्था कुंज पार्क। लोटस टेम्पल की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है और इस पार्क में से होकर हम इजीली पैदल जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल तक, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। और इस आस्था कुंज पार्क में से जब हम होकर जाते हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है। एक बड़ा प्यारा रमणीय दृश्य है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ हैं। दिल्ली में पेड़ ढूंढने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भरपूर मात्रा में पेड़ हैं और बड़ा सुंदर ये दृश्य है जब हम यहाँ से घूम के जाते हैं। और ये जो है, अब यहाँ से हम पिछला जो मार्ग है इस्कॉन टेम्पल का, वहाँ से घुसे थे और इस्कॉन टेम्पल में अंदर आ गए हैं। बड़ा सुंदर यहाँ कारीगरी है इस्कॉन टेम्पल की, बड़ा सुंदर बनाया गया है इस्कॉन टेम्पल। आज इस इस्कॉन टेम्पल को कवर करेंगे तो एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने निश्चय किया है कि इसको पार्ट्स में आपको दिखाएंगे। इसके 3 या 4 पार्ट हम बनाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी चीज़ें हैं देखने लायक, दिखाने लायक। आपको भी ऐसा ना लगे कि अगर आप ना जा पाएँ तो आपने देखा नहीं है, इसलिए कोशिश करेंगे इसमें हर चीज़ हम आपको दिखाने की। बड़ा यहाँ स्पिरिचुअल सा माहौल है, बड़े शांति मिलती है। और यहाँ पर जो है ये सामने टीवी जो चल रहा है इस पर एक फिल्म दिखाई जा रही है, ये उस समय की है जब माननीय मोदी जी ने यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का, जो सबसे बड़ी भगवद गीता है दुनिया की, उसका उद्घाटन किया था। तो वो यहाँ आपको देख सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर जाने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एक शो होता है यहाँ पर, भगवद गीता शो 30 मिनट का, और एक जो और शो होता है लाइट एंड साउंड शो, वो 45 मिनट का होता है। 150 रुपये की टिकट लगती है उसके लिए। और यहाँ पर ये सामने राधा और कृष्ण जी की एक मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। झूलते हुए राधा और श्री कृष्ण जी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आपको अच्छा महसूस होगा यहाँ जाकर। ये जो है ये हॉल है जहाँ पर ये सबसे बड़ी जो भगवद गीता है यहाँ पर इस हॉल के अंदर रखी गई है। बाहर से देखने का प्रयास करेंगे लेकिन लगता है सामने से लाइट आ रही है तो यहाँ कुछ शायद कैमरे में दिखाई ना दे। एक बहुत बड़ी भगवद गीता है, आपको दिखाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं देख पाए। इससे आगे एक बड़ी सुंदर जो है मूर्ति है यहाँ पर भगवान विष्णु की। श्री भगवान विष्णु यहाँ लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। उसके आगे यहाँ जो है ये शो का एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री होती है टिकट लेने के बाद। ये ऑडिटोरियम है यहाँ पर, यहाँ पर एक बुक शॉप है और जहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है वहाँ पर इसके अंदर। लेकिन जब ये मंदिर है तो यहाँ टिकट लगाने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मंदिर में आमतौर पर सिर्फ दान से ही चलता है,
ये एक और यहाँ पर मूर्ति आपको दिखाई देगी ब्रह्मा जी की, और खैर काफी सुंदर बनाया गया है। रखरखाव पे पैसा भी खर्च होता है, लेकिन उसके लिए टिकट लगाना जरूरी नहीं है। उसके आगे चलकर ये सामने एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर, बहुत सारे रंगों के फूल हैं, और चिड़ियों की चहचहाट और शांति, बड़ी शांति सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि हाँ हम कहीं बढ़िया जगह पर आ गए हैं। अभी यहाँ से निकल के हम जब आगे जाएंगे तो हम फ्रंट की तरफ जाएंगे, जो मंदिर का मुख्य मार्ग है, मुख्य जो द्वार है उसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी हम मंदिर के अंदर से ही चल के आ रहे हैं, और यहाँ पर एक ये जो आपको दिख रहा है ये मेन मुख्य पहला चबूतरा है मंदिर का, अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। और ये मंदिर के मुख्य चबूतरे के यहाँ टिकट बेची जा रही है, और ये बिल्कुल सामने सामने एक भगवान श्री कृष्ण की काली देवाली जो लीला थी उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। बड़ी सुंदर मूर्ति है पानी के बीच में, यमुना नदी को दिखाने का प्रयास किया गया है एक तालाब कृत्रिम बना के, और इसके भी चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, बड़े सारे फूल लगे हुए हैं। आप देखते चलिए, अभी मंदिर खुलने का समय नहीं हुआ है, तो जब तक मंदिर खुलने का समय होता है तब तक हम आपको इस मंदिर को दिखाएंगे बाहर से कैसा है। ये आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, वैदिक एक्सपो, भगवत गीता शो, वैदिक सफारी, जो भी शो टाइमिंग्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इन्होंने ब्रोशर छपवा रखे हैं, कोई अपने साथ ले जाना चाहे देखना चाहे। बाकी आपको दिखाएंगे हम इसके अगले पार्ट में। ये चालू है, आप ये मत समझिए कि ये खत्म हो गया है। अभी हम जो अगला पार्ट है ये पार्ट इतना ही है, अगले पार्ट में हम आपको इसको फ्रंट से दिखाएंगे और इसके आगे की जो चीजें हैं वो दिखाएंगे। धन्यवाद।